तो क्या केवल चिल्लाने आते हैं आप? और दीजिए, केवल चिल्लाने आते हैं? कांग्रेस को बुलाकर केवल चिल्लाने आते हैं आप यहाँ पर? आप सिखाएंगे हमें राजनीति? केवल चिल्लाने आए हैं? सिखाएंगे हमें राजनीति? केवल चिल्लाने आए हैं आप यहाँ पर? कांग्रेस के लिए नहीं हो, नहीं हो। एबीपी न्यूज के सामने ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को भाषण देने का मौका आप नहीं दे सकते। भाषण देने का मौका नहीं है। सरकार गिराने जाता था तो उसको मीडिया लानत देता था कि आप पूछ रही सरकार गिराने। अब ऐसा होता है सर, आप साबित कर दीजिए ना, आप साबित कर दीजिए ना पवन जी, नाम तो बताइए। नहीं नहीं, बीच में पूछूंगी ना, आप मीडिया पर मत सवाल खड़े कीजिए ना। फिर अब इस देश में दो फेंकुओं का राज है, एक सीनियर फेंकू एक जूनियर फेंकू। आप तय कर लीजिए अब सीनियर कौन है इस सरकार में, जूनियर कौन है। हमारे भारतीय मीडिया में अक्सर डिबेट किसी भी मुद्दे पर हो पर टारगेट विपक्षी नेता को ही किया जाता है। कभी कभी तो एंकर बीजेपी का साथ भी देते दिखाई देते हैं, पर कुछ ऐसे विपक्षी नेता हैं जो अपने जवाब से बीजेपी नेताओं को चुप करवा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेता पवन खेरा की। आज हम उनकी डिबेट्स का जिक्र करेंगे जब मीडिया एंकर और बीजेपी नेता को पवन खेरा ने चुप करवाया हो। आज तक पर गुजरात के मॉडल पर डिबेट हुई। इस डिबेट में पवन खेरा और अजय लोक में बहस चली। इस बहस के बीच एंकर रोहित सरदाना अजय लोक का साथ देते दिखे, जिस पर पवन खेरा ने एंकर को टोकना शुरू किया। सर प्लीज, इसमें अभी वक्त है, आप इनको रोकने में सक्षम नहीं हुए। खेड़ा जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। खेड़ा जी, अजय आलोक को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे। खेड़ा जी, मुझे अपनी क्षमताओं का पूरे अच्छे से अंदाजा है। तो आप इन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे? रुक जाए। आपके हिसाब से तो पवन खेड़ा आपके अलावा हर कोई अक्षम है। हरियाणा में आप लोगों ने आग लगाई, उसके बाद कहा हमें पकड़ते क्यों नहीं? गुजरात में आपका आदमी आग लगाता है, उसके बाद आप कहते हो हमें पकड़ते क्यों नहीं? आप चोरी भी करते हैं और फिर सीना चोरी भी करना चाहते हैं। आप पूछिए इनसे, किसी आप क्या करने के आए? शोर मचाने आए, केवल हंगामा करने आए, केवल या बात करने आए? समझ लीजिएगा आप, मैं यहाँ सुनने नहीं बैठा हूँ आपकी, मैं आपकी सुनने नहीं बैठा हूँ। तो क्या करने बैठे? सुनने नहीं आते हम यहाँ। तो क्या केवल चिल्लाने आते हैं आप? और दीजिए, केवल चिल्लाने आते हैं? कांग्रेस को बुलाकर केवल चिल्लाने आते हैं आप यहाँ पर? आप सिखाएंगे हमें राजनीति? केवल चिल्लाने आए हैं? सिखाएंगे हमें राजनीति? केवल चिल्लाने आए हैं आप यहाँ पर? आप सिखाएंगे? केवल चिल्लाने आए हैं? आप हैं कौन? आप हैं कौन? सिखाऊं पत्र? आप कौन है? मैं सिखाऊं आपको पत्रकारिता। एबीपी न्यूज पर कांग्रेसी नेता और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के बीच अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी के विषय पर बहस हुई। इस बहस में एंकर बीजेपी नेता की तरफदारी करते दिखाई दिए, जिस पर पवन खेरा ने एंकर को फटकार लगा दी। गवाह ने भगवत गीता पर हाथ रखकर बोला, गवाह ने भगवत गीता पर हाथ रखकर बोला, बीच में मत बोलिए साहब, कि 70 लाख रुपए लिए तुलसीराम प्रजापति को मरवाने के अमित शाह ने। वो अमित सुधांशु जी जवाब दिए हैं, गंभीर जवाब दी। अरे आपके आरोप के आरोप का जवाब मांग रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं? जवाब नहीं चाहिए, समाप्त हुआ, जवाब नहीं चाहिए, समाप्त नहीं हुआ, मंच नहीं है, रैली नहीं हुआ, रैली नहीं है, समाप्त नहीं हुआ सर, रैली नहीं है, रैली इनके लिए भी नहीं है, रैली इनके लिए भी नहीं है। हां तो उनके लिए भी नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं हो, नहीं हो। एबीपी न्यूज के सामने ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को भाषण देने का मौका आप नहीं दे सकते। भाषण देने का मौका नहीं दे आप। आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते। गलत बात हो रही है पवन जी, गलत परंपरा है पवन जी का है। क्यों राजस्थान वालों, क्यों डर गए अमित शाह से? अरे अमित शाह इल्जाम लगाया आप लोग इतना, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर क्यों डरने की बात है? क्यों डर रहे हैं? जवाब सुनिए ना, आप राहुल गांधी को डिफेंड करिए ना, आप राहुल गांधी को डिफेंड करिएगा ना। समाप्त नहीं हुआ, आपने अमित शाह पे इल्जाम लगाया, मदद क्यों कर रहे हैं? मदद की क्या बात है? मदद करिए, जवाब दीजिए सुधांशु जी, मदद करिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। आज तक पर राजस्थान की राजनीति पर डिबेट हुई। इस डिबेट में पवन खेरा से एंकर अंजना ओम कश्यप ने सवाल किए। अपने जवाब में पवन खेरा ने मीडिया की पत्रकारिता पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिस पर अंजना ओम कश्यप भड़क उठी। पारिक साहब तो कह रहे हैं सर कि मुझे तो किसी ने ऑफर दिया नहीं और रिसोर्ट में रखने की जरूरत तो है नहीं। जी पहले तो ऐसा होता था अंजना जी कि किसी की कोई सरकार गिराने जाता था तो उसको मीडिया लानत देता था कि आप क्यों चुनी हुई सरकार गिरा रहे हैं। अब ऐसा होता है सर, आप साबित कर दीजिए ना, आप साबित कर दीजिए ना पवन जी, नाम तो बताइए। नहीं नहीं, बीच में पूछूंगी ना, आप मीडिया पर मत सवाल खड़े कीजिए ना। फिर आप मीडिया पर सवाल मत खड़े कीजिए, नहीं आप मीडिया पर, आप क्योंकि आप जवाब दीजिए नाम का। अंजना ओम कश्यप जी, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, आपको भी जवाब देना होगा। आपकी जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही है। अगर अज्ञात लोगों के खिलाफ नाम दर्ज किया गया है, मेरा रिपोर्टर ऑन ग्राउंड जो कह रहा है वो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपका रिपोर्टर की पूरी, आपका यही काम अब रह गया है पवन खेड़ा जी, कि आप रिपोर्टर पर मीडिया पर रिपोर्ट खड़ा कीजिए। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपना काम सीखिए, बिल्कुल अपना काम मैं कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को जो सरकारें गिरा रही है। न्यूज 18 पर राजस्थान के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में आरएसएस द्वारा इल्जाम लगाए जाने के बाद पवन खेरा ने अपने जवाब में आरएसएस की आलोचना करनी शुरू की। इसके बाद आरएसएस नेता भड़क उठे और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। और ये अब अवनीतेश अवस्थी को आप बुला लेते हैं, आरएसएस का कोई रोल नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है,
मुझे भाषण दे रहे थे ही अडवाणी जी ने 2011 की फरवरी में सोनिया गांधी से माफी मांगी थी काले धन पर जो आरोप लगाए थे उन पर। मुझे बोलते हो कि अटल जी को सोनिया जी ने क्या कहा, इतिहास अपना भी पढ़ लीजिए। आरएसएस का क्या मतलब था, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत डिस्कस करने चले गए चाइना में, क्या मुंबई में दलितों की जमीन पे कब्जा कर लिया, आरएसएस को मुंबई में दलितों की जमीन ही खा गए, इन्होंने हरकत मुंबई में दलितों की जमीन खा गए, अभी तो बहुत सारे आने वाले हैं। अरे इतने काले धन है, इतने काले धन है, चाइना तक से पैसा खा गए। अरे राजीव गांधी की तस्वीर भेज दी, राजीव गांधी की तस्वीर 2 करोड़ रुपए में भेज दी, ऐसा कोई देखा है अमीश देवगन, पिताजी की तस्वीर भेज दी, जिसको शहीद कहते हैं, जिसके कहते हैं मैं उसकी बेटी हूँ, उसके नाम पर एसपीजी सुरक्षा चाहिए, उनकी तस्वीर भेज दी, 2 करोड़ रुपए में तस्वीर भेज दी, अरे पेंटिंग भेज दी। आज तक पर एक डिबेट में संबित कांग्रेस पर टिप्पणी के बाद पवन खेरा की बारी आई। अपने जवाब से पवन खेरा ने संबित पात्रा को चुप करवा दिया। संबित जी आप मेरे मित्र हैं, आप स्वस्थ रहिए, आपकी लंबी आयु हो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आपकी छवि एक झूठे व्यक्ति की है, इसलिए हमको विश्वास नहीं हुआ कि आप बीमार हैं और दिखते आप स्वस्थ हैं, इसलिए हमें माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो, छवि अब आपने सुधार दीजिए तो हम इस तरह की बात भी नहीं करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता आपके खिलाफ निजी टिप्पणी करना और मैं करना भी नहीं चाहता। मैं पूरी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सावन का महीना है, कि आप स्वस्थ रहिए, लंबी उम्र हो आपकी, लेकिन अपनी छवि सुधार दीजिए ताकि ऐसा संशय भी मन में ना आए। दूसरी बात देखिए, फेंकू कौन होता है, फेंकू कौन होता है जो फेंकता है। अब इस देश में 2 फेंकुओं का राज है, एक सीनियर फेंकू और एक जूनियर फेंकू। आप तय कर लीजिए अब सीनियर कौन है इस सरकार में, जूनियर कौन है, लेकिन फेंकते दोनों हैं। 150 देशों की मदद कर दी, अरे थोड़ा कम फेंको ना साहब, अपने मजदूरों की मदद नहीं कर पाए हो, ये देश ने देखा है, इसलिए हम उनको फेंकू कहते हैं। अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन अब कहना पड़ता है क्योंकि फेंके चले जा रहे हैं, 6 साल से फेंक रहे हैं साहब, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अरे साहब देश को क्या मिला। विपक्षी नेता तो डिबेट में अब बीजेपी और मीडिया को तीखे जवाब देते नजर आने लगे हैं। विपक्ष तो अपनी भूमिका अब अदा कर रहा है सरकार से सवाल करके, अब हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा गोदी मीडिया भी सरकार से सवाल करना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।